अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन होगी गैबिक से रिलेटेड। गट्स फार्मा की फेमस प्रोडक्ट है, हमारे पास है 100 mg वाली और इसकी प्राइस है 9 रुपीज़ एक टैबलेट की। इसे हमें डिफरेंट एविडेंसेज में मिल जाती है मार्केट के अंदर। इसमें 300 भी है और 400 भी अवेलेबल है। सो ये बेसिकली जो है ये फिट्स में या सीजर्स या झटकों में इस्तेमाल की जाती है। ये मर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, उसमें यूज़ की जाती है। ये एंटी एपिलेप्टिक है, इसको झटकों में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि रिगार्डिंग देखें, जानना ज़रूरी है। अक्सर होता है कि इंसान के हाथ पांव मुड़ जाते हैं या उसको चक्कर आते हैं, झटके लग जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर किसी रीजन की वजह से। अगर तो किसी कोई उसकी स्पेसिफिक रीजन है तो फिर तो उसको सीजर्स कहेंगे। अगर तो उसकी कोई रीजन नहीं है और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो फिर वो एपिलेप्सी होगी। इन तमाम रीजंस के अंदर हम गैबिक्स को यूज करते हैं। इसको एक और स्किन के छालों के जो हैं उनकी दर्द उसको में भी इसको यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि हमारी स्किन के ऊपर समटाइम जो है रिएक्शन हो जाता है, छाले बन जाते हैं, उनमें दर्द होती है। अब वो जब ठीक हो जाती है तो आफ्टर जो उसके जो उसकी दर्द है, मतलब कि उन छालों को जब ख़त्म होने के बाद वो जो दाग सा रह जाता है और उसके अंदर दर्द होती है, तो इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया कहते हैं। इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। जलन वगैरह भी होती है उन छालों के अंदर, इसको तब यूज़ किया जाता है। सो स्पेशली जो इसका मेजर यूज़ है वो मर्गी के लिए ही डॉक्टर लिख के देता है। मर्गी के होने की कुछ रीजंस हैं। देखें, अगर इंसान जो है सपोज उसका उसका जो है मतलब न्यूरॉन्स जो उसके दिमाग के अंदर काम कर रहे होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं किसी रीज़न से, मिसाल के तौर पे उसकी उसकी बॉडी के अंदर अगर बुखार 104 है तो उससे उसको झटके लग जाते हैं। आपने सुना होगा उसको झटके लग जाते हैं, या शुगर लेवल लो हो गया तब उसको झटके लग जाते हैं, या उसकी जो है सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो इससे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो मज़ीद अपने साथ वाले हमसाया न्यूरॉन्स को भी डैमेज करता है। सो इस ये चीज़ें जो हैं ये फिर इंक्रीज होती रहती हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए हम गैबिक्स को यूज करते हैं। फर्दर ये कि अगर कोई लोग ऐसे जो अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो इसको छोड़ चुके हैं तो तब भी उनको जो उनकी सिचुएशन होती है, चूंकि अनबियरेबल सिचुएशन होती है, उसे उस कंडीशन के अंदर उसकी 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 तमन्ना होती है कि मैं इसको दोबारा इनटेक करें या इस तरह, तो तब भी गैबिक्स का यूज़ किया जाता है। डायबिटिक सिचुएशन के अंदर भी, यानी कि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, हाथ पाँव जो हैं वो मतलब कि मुड़ जाते हैं, या अगर आपकी शुगर बहुत हाई है तब भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है मतलब कि इसको इस सिचुएशन में भी यूज़ किया जाता है कि नेक या ईयर में पेन हो तब भी इसको यूज़ किया जाता है। सो इसके काफ़ी डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन आपने एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन इसको यूज़ करना है। इसमें चूंकि लाइट सी नींद होती है, डिजीनेस होती है, इसमें गनूदगी होती है, तो इसको इसलिए रात को ही यूज़ करेंगे, बिफोर स्लीपिंग बेड से पहले इसको यूज़ करेंगे। ऑब्वियस इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें डिजीनेस मतलब कि बेहोशी टाइप या नींद का आना, सर का दर्द होना, डायरिया, फटीक वगैरह, रैशेज वगैरह, ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स में सर्टिफाइड साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, मतलब कि कौन कौन लोग इनको यूज़ ना करें। देखें, हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। साइड इफेक्ट्स से रिलेटेड जो बात है वो सब में सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली साइड इफेक्ट को जानना जरूरी है बिफोर यूज। डॉक्टर्स ऑलरेडी वेल अवेयर अबाउट दी साइड इफेक्ट्स, उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये है कि जिन लोगों को लाइट झटके लगते हैं, मिसाल के तौर पे जिनको जैसे हिकफ आना, यानी कि एक आपको हिचकी आना, यानी झटका लग जाता है, या कोई इस तरह मतलब कि या इस तरह का कोई झटका वगैरह लग गया वन टाइम जिसमें आप बेहोश ना हो, तो उन लोगों के लिए वो इस चीज़ को यूज़ ना करें। किडनी के जो मसले मसाइल हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको यूज़ ना करें, और अगर वो फीड करवा रही है तब भी इसको यूज़ ना करें। 12 ईयर से जो कम उम्र लोग हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। सो ये थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग गैबिक्स। आप इसके बारे में जो इसकी यूजेस हैं, वो बेटर ये है कि आप एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन यूज़ करें, आपने इसको ऐसे यूज़ नहीं करना। और नॉर्मली आपने किसी भी मेडिसिन को ऐसे यूज़ नहीं करना होता, लेकिन ये नॉलेज आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप वेल अवेयर रह सकें रिगार्डिंग जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।